सर, अभी हम लोगों का जो L1 और डायरेक्ट परचेज की लिमिट थी वो 25,000 का था। डायरेक्ट परचेज जिसको विदाउट कंपेरिजन जिसकी लिमिट 25,000 था, इसका GR 1 महीने पहले ही आ चुका था जिसका लिमिट 50,000 होने वाला था, पर जेएम पे अभी तक अपडेट नहीं हुआ था। पर अभी ये जेएम पे अपडेट हो चुका है कि अब हम 25,000 की जगह 50,000 तक आप डायरेक्ट परचेज में परचेज कर सकते हैं। कैसे परचेज करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सिलेक्ट कंसाइनी, हम लोग क्वांटिटी डाल देते हैं 1 एंड सर्च। अभी ये 6,000 है, इस पे ऐड टू कार्ट आ रहा है। पहले 25,000 तक ही मुझे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिलता था, अब 23,000 ये पहले भी मिलता था। अब जैसे यहाँ पे हमारा अमाउंट 25,000 को क्रॉस हो गया, 45,000 है, तब भी मुझे यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिल रहा है। अब यदि ये मुझे परचेज करना है तो मैं इसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके परचेज कर सकता हूँ। और ये विदाउट कंपेरिजन, देखिए 45,000 वाला अमाउंट हमारे कार्ड में ऐड हो गया, मतलब अब ये लिमिट बढ़ के 50,000 तक हो चुका है। अब हम लोग L1 का देखेंगे, एक सेम आरओ प्लांट में देख लेते हैं या डस्टबिन में। अब इसकी लिमिट 5 लाख थी पहले, अब देखेंगे कि ये 10 लाख हुआ है कि नहीं। जैसे मुझे ये 10 चाहिए, 30, 40 चाहिए, 50 एंड सच। अभी L1 जो आ रहा है 12,350 का आ रहा है, क्वांटिटी को हम और इंक्रीज कर देते हैं। फिर भी हमारा ये क्रॉस नहीं हो रहा है। ये 9,88,000 का हो गया। अब हम लोग इसको कंपेरिजन करते हैं जीएम डस्टबिन के साथ अनब्रांडेड का एक। और एक सुप्रीम के साथ इसको कंपेयर, अब यहाँ पे देखते हैं ये 9,88,000 का ये हमारा L1 बन रहा है क्यों। यहाँ पर भी मुझे कार्ड में ऐड हो गया विद कंपैरिजन सीट, जिसकी लिमिट अभी 5 लाख से 10 लाख का हो गया। इसका आप कंपैरिजन सीट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब जेम पे जो लिमिट है वो अब 25,000 की जगह 50,000 और L1 का लिमिट 5 लाख से 10 लाख हो चुका है।